अब खबरें विस्तार से। पूर्वांचल में इन दिनों लूट की घटना इस कदर बढ़ गई है कि जेब में 500 रुपए ही व्यक्ति के पास क्यों ना हो, जब दिल आया तो रास्ते में रोककर उसे लूट लिया। बैटरी और मोबाइल की दुकान चलाने की आड़ में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार अंतर जनपदीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाई है और SSP अनंत देव ने पुलिस लाइन सभागार में इसका देर रात खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, मोबाइल, लूट की रकम के साथ तमंचे, कारतूस भी बरामद कर 9 मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुरैया क्षेत्र के रोहुआ नाला के पास 2 बाइक से जा रहे 4 बदमाशों को पकड़ लिया। गाड़ी के कागजात मांगने पर उन्होंने कबूल किया है कि गाड़ी चोरी की है। बदमाशों ने बाइक पर गलत नंबर प्लेट लगा रखा था। बदमाशों ने संत कबीर नगर में 1 लाख रुपए की लूट के अलावा गुलरेहा चिलवाताल में राजनी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि बैटरी की दुकान चलाने वाले प्रहलाद उर्फ नेता उनके गिरोह का सरगना है। गए थे जन्मदिन में सही संकल्प, तो आ रहे थे तो सुधीर ने कहा कि हमें मोबाइल चाहिए, तो रास्ते में रोक कर एक आदमी से मोबाइल ले लिया भाई, मोबाइल 400 रुपये। तो उसके बाद जगत बेला में किए थे सुधीर सूरज दुबे सूरज सिंह, उसमें सर हम बताए थे कि आदमी जा रहा है, बस सर दो ही किए थे। कौन कौन था उसमें? सुधीर सूरज दुबे सूरज सिंह रामचरण और वो है सरोज जैन था। कौन सा? अच्छा क्या है, कैसे बताया ना? उन्होंने बताया कि मतलब कपिल देव निषाद कागज बाकी सब लोग बांटे। और इसके अलावा? इसके अलावा गाड़ी चुरा। और क्या नाम बताया अपना? प्रहलाद सिंह। चलो ठीक, ले जाओ। क्या करते हैं? चोरी। बताओ वैसे कहाँ पे दुकान? बड़ी तुम्हारी उम्र हो गई, अभी तुमको लूट करने का अभी शौक चल रहा है? कितने साल के हो तुम? 51 साल। आवाज देखिए, आज सोचता है कि अपराधी जीवन आज से बात पहले वाले खाते हैं, क्या इनको कोई देखेगा? चेक करें तो कहेंगे लीजिए साहब कुछ चीज कान उठे रहा हूँ। दुकान कहाँ थी बच्चे की? इसका उपनाम सब नेता है। क्यों किया? दुकान चला। आप लोग सजनवा में एक घटना हुई थी, सूरज सिंह और सूरज दुबे थाना बखीरा संत कबीर नगर के रहने वाले जो है अन्य जिलों के, वो सब आते थे वहीं पे। वो जरा आप बता दो, गेट बता दो, गेट सर। SSP अनंत देव ने कहा कि इस गिरोह के 4 सदस्य सुधीर, अनुज तिवारी, कपिल देव और मनीष फरार चल रहे हैं, जबकि मनोज, सूरज सिंह और सूरज दुबे इस समय जेल में हैं। पकड़े गए सभी बदमाश गोरखपुर और देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। देवरिया, गोरखपुर, इधर आसपास के लूटपाट से ये रोड रॉबरी डे टाइम में कैश और मोबाइल छीनना, उसके अलावा प्लान करके रैकी करके देख करके जो भी ये पैसा इनसे जो क्राइम विकास केंद्र से ज़्यादा था उस पर लूटपाट करते थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे करीब 1 दर्जन घटनाओं का खुलासा हुआ है और इन पे इसके पूर्व का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। इसका इन लोगों का एक बड़ा गैंग है, इस गैंग में लगभग 1 दर्जन लोग हैं, इसमें से 4 अभी गिरफ्तार किए गए हैं। इस गैंग के 3 सदस्य पहले से ही जेल में अंदर हैं और करीब 5 सदस्य और इसके अभी बाहर चल रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं और जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।